दोस्तों, नए आईफोन का वेट तो हम सभी बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपसे इस वीडियो में आईफोन 8 के बारे में ही थोड़ी बात करूंगा। तो मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं गौरव टंडन। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आईफोन 7 जो है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, पिछले साल से मैं आईफोन 7 यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ नया देखने को मिले, और 12 सितंबर को जैसे कि हम जानते हैं कि एप्पल का लॉन्च इवेंट है, तो इनवाइट्स जो हैं आ चुके हैं तो लोगों के पास। तो 12 सितंबर को जो लॉन्च इवेंट है उसमें रूमर्स है कि आईफोन जो है नया आईफोन तो लॉन्च होने हमें पता ही है। तो कुछ रूमर्स कहते हैं कि आईफोन 8 होगा, कुछ कहती हैं 7S होगा, कुछ कहती हैं कि 7S प्लस होगा, कुछ कहती हैं 8 प्लस होगा, तो वो हम देखेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है, मैं जिस तरह से फोकस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आईफोन में कुछ नया देखने को मिले। जैसा कि आप जानते हैं, आईफोन को 10 साल होने वाले आए हुए, वो दो पहला आईफोन 2007 में आया था, तो जैसे कि 2017 चल रहा है, तो अब 10 साल होने वाले आईफोन को हमें कुछ नया देखने को चाहिए। हम ट्रेडिशनली जो आईफोन्स में देखते हैं, यही स्क्रीन और यही होम बटन जो है हम देखते आ रहे हैं, तो अब हम भी कुछ चाहते हैं कुछ नया मिले। जैसे S8 में, S8 प्लस और Note 8 में हमें देखने को मिला है कि जो बिल्कुल हमें बिल्कुल इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो मैं चाहता हूँ कुछ आईफोन में भी कुछ ऐसा आए ताकि जो है हमें अच्छे को देखने को मिले। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें ये LCD पैनल यूज़ करा जाता है, तो हम भी चाहते हैं कि LCD की जगह ये लोग OLED पैनल यूज़ करें। तो मैं मेनली फोकस चाहता हूँ कि एप्पल कुछ तो कमाल करे इस बार अपने आईफोन्स के साथ। और दोस्तों, जैसा कि रूमर्स कहते हैं कि 256 GB का आईफोन, तो जैसा कि ये आ चुका है, हाईएस्ट कैपेसिटी 256 GB है, हमें 256 GB हमें पता है। लेकिन जो रूमर्स कहते हैं कि जो आईफोन आएगा वो 512 GB का भी आएगा, यानी 512 GB का आईफोन भी आएगा। जैसे कि अभी जानते हैं कि 512 GB का iPad Pro आता है, जो हाईएस्ट मॉडल है iPad Pro का, वो आता है 512 GB का। उसी तरह से कहते हैं कि iPhone 8 भी 512 GB का आएगा, तो वो देखने की बात होगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ iPhone 8 के लिए, Apple के लॉन्च इवेंट के लिए, Apple के इवेंट के लिए बेसिकली। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो पे इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।